आईआईटी मद्रास ने एक ऐसा कोर्स शुरू किया है जिसमें बिना जेईई एग्जाम के आप एडमिशन ले सकते हैं। नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह, महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिए सुनिए। यह हिंदुस्तान की खबर है कि आईआईटी में बिना जेईई मेन के एडमिशन, 4 साल का बैचलर डिग्री कोर्स शुरू। आईआईटी मद्रास ने एक नया 4 वर्षीय बैचलर ऑफ साइंस डिग्री कोर्स शुरू किया है जिसमें एडमिशन के लिए स्टूडेंट को जेईई मेन देना जरूरी नहीं है, 12वीं पास स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। अब इस खबर को हम आईआईटी मद्रास के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा और देखने सुनने के बाद में मैक्सिमम लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे कोर्स बहुत ही कम आईआईटीज में है जहां पे जेईई एग्जाम को बिना दिए आपको एडमिशन लेने का मौका मिलता है। हिंदुस्तान के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में से एक आईआईटी माना जाता है। चलिए, एडू मिनिस्टर लॉन्चेस न्यू बैचलर ऑफ साइंस कोर्स एट आईआईटी मद्रास, जेईई नॉट नीडेड फॉर एडमिशन। खबर विस्तार से पढ़ते हैं, पहले अंग्रेजी में पढ़ लेंगे, साथ साथ आपको हिंदी भी इसका बताते चलेंगे ताकि भाषा की प्रॉब्लम नहीं हो किसी को भी। अनलाइक अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर्ड बाई आईआईटी मद्रास, कैंडिडेट्स कैन टेक एडमिशन टू दिस वन विदाउट अपीयरिंग इन द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एडुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑन मंडे लॉन्च्ड अ 4-year बैचलर ऑफ साइंस कोर्स एट आईआईटी मद्रास, द न्यू बैचलर ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कोर्स विल बी डिलीवर्ड ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन कोर्स होगा, 4 साल का होगा और इसके लिए जेईई की कोई जरूरत नहीं होगी। अनलाइक अदर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफर्ड बाई द इंस्टीट्यूट, कैंडिडेट कैन टेक एडमिशन टू दिस विदाउट अपीयरिंग इन द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। The course has been launched with an object of meeting the growing demand of skilled graduates in the electronics and embedded manufacturing sector in India, IIT Madras said. Adding to this program will have multiple exit feature, enabling students to leave with a certificate, diploma or to finish the whole course and get a Bachelor of Science degree. तो ये प्रोग्राम ऐसा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखकर के बनाया गया है और प्रेजेंटली इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिजाइन किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसके साथ ही साथ इसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम होंगे जिसमें आपको अगर 1 साल का कोर्स करते हैं तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल का कर लेते हैं तो डिप्लोमा होगा और अगर 4 साल पूरा करते हैं तो आपको डिग्री का कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा डिग्री सर्टिफिकेट के साथ। इसके बाद द प्रोग्राम अलायंस विद द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर मिशन को ध्यान में रखकर ये कोर्स स्पेशली डिजाइन किया गया है। दिस इज द सेकेंड ऑनलाइन बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम फ्रॉम आईआईटी मद्रास फॉलोइंग बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन विच हैज मोर देन 17,000 स्टूडेंट्स स्टडिंग करेंटली आईआईटी मद्रास सेट। तो कुछ साल पहले बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन शुरू किया गया था जिसमें प्रेजेंटली 17,000 विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा आईआईटी मद्रास के द्वारा आंकड़ा दिया गया है। अब इसमें स्पेशल स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है कुछ विद्यार्थियों के लिए, देखिए। विद एन एम ऑफ मेकिंग आईआईटी एजुकेशन मोर एक्सेसिबल, फी ऑफ द कोर्स हैज बीन केप्ट अफोर्डेबल। फी कम रखा गया है, अफोर्डेबल रखा गया है with additional scholarship for SC, ST and PW candidates and candidates whose family income is less than 5 lakh per annum. तो SC, ST, physically handicapped और उन विद्यार्थियों जिनके पिताजी या पेरेंट्स की इनकम 5 लाख ईयरली से कम है उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था रखी गई है। Addressing the launch event, Pradhan said, after successfully running this course of Bachelor of Science in Data Science for the last few years, IIT Madras has another feather in the cap. A Bachelor of Science in Electronic System, this is the right approach to implement National Education Policy 2020, all the recommendations of new education policy, whether it is flexibility, job-oriented, entrepreneurship-oriented credit framework is attached to this architecture. Multiple entry and exits and above all affordability in Indian higher education system with quality and accessibility are present in the Bachelor of Science in Electronic System. तो सब चीजों को ध्यान में रख के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जॉब ओरिएंटेशन की तरफ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते कदम को ध्यान में रखकर
इस कोर्स को डिजाइन किया गया है, ऐसा मिस्टर प्रधान जो कि अभी एडुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा। आईआईटी मद्रास सेड स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम कैन फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमेटिव, सेमीकंडक्टर एंड डिफेंस अमंग अदर्स फॉर पोजीशंस लाइक।